Hello Classical, today we are going to study computer. This is the book of computer, take it. Now open chapter number 1. Chapter number 1 is computer. Here we are going to know about computer. Computer, features of computer, types of computer, computer networking. These are things we will know in this chapter. First of all, we are going to discuss about machine. Machine. In this world in which we are living is machine oriented. ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, ये संसार जिसमें रह रहे हैं, इसमें मशीनों की भरमार है. चारों तरफ मशीनें हैं. We see machines everywhere. We see machine in home, in machine. We see machine in school, we machine in offices, we see machines in everywhere we go. Fan is a machine, wash machine, zazun machine, scooter, yeah, bike is also a machine. TV is a machine. Fridge is also a machine. So lot of machine. Juicer, mixer is also a machine. So machine har jagah hai. Machine that makes our work easier. It help us to complete our work faster, save our time and energy. So machine आपके काम को आसान बनाता है. Fan है, आपने बटन दबाया, ठंडी ठंडी हवा सेकंड में आपको मिलने लगी. Washing machine है, आपको कपड़े धुलने हैं तो it will take 15 to 20 minutes to wash your cloth in the washing machine. But suppose that you have to wash your cloth, अगर आपको अपने कपड़े धुलने हैं, खुद ही धुलने हैं, तो इट विल टेक मोर देन दैट. आपको आधे घंटे, 45 मिनट, एक घंटे तक आपको बाथरूम में बैठ के पसीना बहाते हुए आप कपड़े धुलेंगे, तब वो धुल पाएंगे. लेकिन बहुत सारे कपड़े आप एक ही साथ वॉशिंग मशीन में आप डाल के उसको बटन दबा के टाइमर को सेट करके आप दूसरा काम करते हुए आप जो है अपने कपड़े को धुल सकते हैं. और 15 से 20 मिनट में आपके कपड़े धुल के वॉश हो के और आपको सूख के भी मिल जाएंगे. सो मशीन ये आपके काम को न केवल तेज़ी से कर दिया बल्कि आपकी एनर्जी को भी सेव किया और आपके टाइम को भी सेव किया. सो मशीन्स हेल्प अस टू कंप्लीट आवर वर्क फास्टर एंड सेव्स आवर टाइम एंड एनर्जी. ओके, इन द सेम वे अगर आपको सपोज दैट यू हैव टू गो टू रेलवे स्टेशन which is far from your home, 3 kilometers. So 3 kilometers if you are going on foot, so it will take 1 or 2 hours. Agar aap paidal railway station jaate hain to 3 kilometer tak jaate jaate aap thak jayenge, aapki energy waste ho jayegi, aapka bahut sara time lag jayega. Aur jo hai यही चीज़ अगर आप स्कूटर से जाते हैं या बाइक से जाते हैं तो आपका टाइम बच जाएगा. इन 15 to 20 minutes विल गेट रेलवे स्टेशन. 15 से 20 मिनट में आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे विदाउट लूजिंग योर एनर्जी एंड योर टाइम. ओके, आपका एनर्जी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा उसमें, ना आप थकेंगे, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा और आप फ्रेश भी रहेंगे. आप उस टाइम को दूसरी जगह यूज कर सकते हैं. सो दिस इज बिकॉज ऑफ मशीन. ये ऐसा हुआ क्योंकि मशीन की वजह से हुआ. आप स्कूटर को स्टार्ट करके और गुरु करके आपने शुरू कर दिया और 15 टू 20 मिनट्स में आप रेलवे स्टेशन पहुंच गए. इन द सेम वे जितनी भी मशीनें हैं वो सारे काम आपके आसान बनाने के लिए हैं, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा सेव करती हैं, आपके टाइम को बहुत ज़्यादा सेव करती हैं. सो नेक्स्ट पेज कंप्यूटर. नाउ कम टू द मेन टॉपिक कंप्यूटर. कंप्यूटर
इज आल्सो मशीन. कंप्यूटर इज आल्सो मशीन. इट इज आल्सो अ मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन. वी कैन से इट इज अ मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन. ठीक है, विच हेल्प अस टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इन आवर डे टू डे लाइफ. ये हमारे काम को मदद करता है, बहुत सारे काम को, अलग अलग काम को, अलग अलग काम को ये करता है और हमारी ज़िंदगी को आसान बना देता है. कंप्यूटर आज के ज़माने में हर जगह यूज़ होता है, ऑफिस में यूज़ होता है, स्कूल्स में यूज़ हो रहा है और शॉप्स पे यूज़ हो रहा है, हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहा है, बैंक में यूज़ हो रहा है, इन रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एट्सेट्रा. तो कंप्यूटर हर जगह यूज़ हो रहा है. अगर आप ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू तमाम चीज़ें की जाती हैं, वहाँ पे जो भी ऑफिसियल जॉब्स है कंप्यूटर पे ही किए जाते हैं. अगर आप स्कूल में जाते हैं तो योर पेपर, ऑल द पेपर जो आपके एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं वो सारी आपके कंप्यूटर पे ही बनते हैं. आपके रिजल्ट जो बनते हैं, मार्कशीट जो तैयार होती है, मार्कशीट जो तैयार होती है वो सारी जो है आपके कंप्यूटर पे ही तैयार होती है. आपके जितने भी बच्चों के डेटा हैं, प्रेजेंस के और एब्सेंस के रिकॉर्ड और भी टीसी वगैरह जितने भी हैं, बुक्स वगैरह भी, आपके बहुत सी बुक्स वगैरह जो डिजिटल फॉर्म में रहते हैं. तो स्कूल में स्कूल जो आप ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है, और जो है आप स्मार्ट क्लासेस लेते हैं वो भी, वहाँ पर भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. तो स्कूल में जो है कंप्यूटर का बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है. आप शॉप्स पे जाइए, बहुत से आइटम आप खरीदते हैं वहाँ पे, खासतौर पे मॉल्स वगैरह में जाइए, वहाँ पे मॉल्स में क्या है कि आपने एक ट्रॉली ले लिया, बहुत सारे आइटम्स को आपने परचेज किया, एंड देन आप क्या है कि वो काउंटर पे लेके आते हैं, देन शॉपकीपर या जो वो आदमी बैठा रहता है काउंटर पे वो बारकोड स्कैन करता है, बारकोड रीडर से आपके, और उसके बाद से जितने भी आइटम होते हैं वो सारे कंप्यूटर में कैलकुलेट करके एक जो है मेमो आपको मिल जाता है, और आपको जो भी पे करना है, जो भी अमाउंट आता है वो आप पे कर देते हैं और बाकी सामान लेके आसानी से चले जाते हैं. तो शॉप्स में, मॉल्स में कंप्यूटर का यूज़ होता है. हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो जो भी पेशेंट है, जो है वहाँ पे जो भी रिकॉर्ड है, एडमिशन का रिकॉर्ड रहता है, उसमें पेशेंट के साथ कौन सा क्या इलाज चल रहा है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कंप्यूटर पे रहती हैं, जो आसान बनाता है. बैंक्स में आप जाते हैं तो वहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज़ आप देखते हैं. जो भी मनी आप डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आपको दिखती हैं. रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे आप रिजर्वेशन करवाना होगा, टिकट लेना होगा, तो सारा चीज़ें कंप्यूटर पे ही मिलता है. किस ट्रेन में आपकी सीटें अवेलेबल है, नहीं है, वो सारी चीज़ें, सारे डेटा वो ऑपरेटर के पास रहता है और वो आपको फॉरन देख के बता देगा कि जो है ये जो है अवेलेबल है, नहीं है, या आप खुद ही आप कंप्यूटर का यूज़ करके, मोबाइल का यूज़ करके आज तो हर कोई खुद ही अपनी टिकट को बुक कर लेता है. तो और आसानी से टिकट को न केवल लेके और जब चाहे जा सकता है. इवन रेलवे स्टेशन के साथ साथ एयरपोर्ट पे भी यही चीज़ें हैं. आप खुद ही कंप्यूटर पर बैठ के घर से ही टिकट बुक कर सकते हैं, या फिर आप एयरपोर्ट पे जाके वहाँ पे टिकट को बुक कर सकते हैं. कंप्यूटर का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. जो भी प्लेन आती है उसकी टाइमिंग कब है, कब जाएगी, कब आएगी, वो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखती हैं सारी चीज़ें. तो जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल. नाउ लेट्स नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के फीचर्स, कंप्यूटर के गुण क्या है उसके बारे में हम पढ़ें. फीचर्स, कंप्यूटर परफॉर्म्स वेरी टास्क दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम मैन. कंप्यूटर अलग अलग काम करता है
जो इसे आदमी से बिल्कुल अलग बनाता है। और क्या है ये देखें, इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर यूज़। कंप्यूटर क्या है कि बहुत से डेटा को आप फ्यूचर्स यूज़ के लिए इसमें कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम एक बॉक्स है, उसमें बॉक्स में कोई बहुत से आइटम को हम रख देते हैं, और फिर वो मालिया गर्मी आ गई तो ठंडियों का आइटम जितना भी है बॉक्स में, स्वेटर, ओवरकोट एंड कोट, मफलर एंड सॉक्स एंड कैप्स, सारी चीज़ें जितनी भी रजाई गद्दे सारी चीज़ें हम उसमें ट्रंक में ये बॉक्स में डाल के उसको हम उसको सेव कर देते हैं कि ये फिर से वापस ठंडी आएंगी तो हम इसको फिर ओपन करेंगे और निकालेंगे। तो ये जो है इसको स्टोर कर लिया गया है। इसी तरह कंप्यूटर में हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे गाने को स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारी फिल्मों को स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स को हम स्टोर कर सकते हैं, बहुत से फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद से जब हम को चाहिए हो फिर हम उसको ओपन करके हम देख सकते हैं। और सो वी कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर यूज। दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ कंप्यूटर, इट नेवर गेट्स टायर्ड, इट कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड। आपको सपोज दैट यू हैव टू वर्क ऑल डे एंड ऑल नाइट, एंड आफ्टर दैट आफ्टर वर्किंग 10 आवर्स या 15 आवर्स या 1 डे यू विल बी एग्जॉस्टेड, यू विल बी ड्राउजी, यू विल फील ड्राउजी या स्लीपी, बट कंप्यूटर विल नेवर फील ड्राउजी या स्लीपी, इट नेवर गेट टायर्ड। आप अगर 24 घंटे आपको काम करना है, पूरा दिन भर काम कर लिए 10 घंटा 12 घंटा तो आप थक जाएंगे, अगर आधे भी काम कर लें तो आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, आप नींद से बेहाल हो जाएंगे, आप बिल्कुल थक जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर क्या है कि 12 आवर्स 24 आवर्स 36 आवर्स लगातार 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार काम करता रहेगा तब भी ये थकेगा नहीं, इट नेवर गेट टायर्ड, इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग 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 टाइम। ओके, नेक्स्ट फीचर्स, इट डज नॉट मेक एनी मिस्टेक्स। सपोज दैट यू आर कैलकुलेटिंग 2589267359583543980150032। सपोज दैट यू हैव टू कैलकुलेट, यू मे कैलकुलेट रॉन्गली, अगर आपको इन डिजिट को कैलकुलेट करना है तो आप हो सकता है कि गलती कर जाओ, बट कंप्यूटर विल नेवर मेक एनी मिस्टेक। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करेगा, कंप्यूटर विल आंसर एक्यूरेटली, सही सही कंप्यूटर इसका आंसर करेगा। आप हो सकता है कि गलती कर दो लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं करेगा, सो इट डजंट मेक एनी मिस्टेक। सो नेक्स्ट, इट वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन परफॉर्म वेरियस टास्क एट द सेम टाइम। कंप्यूटर जो है बहुत तेज़ी से काम करता है। सपोज दैट यू हैव टू कैलकुलेट दीज डिजिट्स, यू विल टेक 3 या 4 मिनट्स, ओके मे बी मिनिमम, बट कंप्यूटर विल आंसर इन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। कंप्यूटर कुछ ही देर में फौरन ही इसका आंसर दे देगा, जैसे ही आपने इसको उस पर ऐड किया और आप इक्वल करेंगे, ये फौरन ही आंसर देगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट विल आंसर। सो कंप्यूटर इज अ वेरी वेरी फास्ट मशीन, ठीक है। एंड कंप्यूटर आल्सो वर्क्स एट डिफरेंट वर्क्स इन द सेम टाइम। कंप्यूटर कई काम को ये एक ही साथ कर सकता है, कि सपोज दैट कि यू हैव टू राइट, कंप्यूटर इज राइटिंग एंड कंप्यूटर इज एंड यू आर लिसनिंग म्यूजिक। सपोज दैट कि यू आर राइटिंग एंड यू स्टार्टेड म्यूजिक, सो इन द सेम टाइम कंप्यूटर लिख भी रहा है, कंप्यूटर में लिखा भी जा रहा है, आप गाने भी सुन रहे हैं, इन द सेम टाइम यू कैन वॉच ए वीडियो, वीडियो यू कैन आल्सो वॉच वीडियो इन द सेम टाइम। ओके, सो कंप्यूटर एट द सेम टाइम कैन डू मेनी जॉब्स, कैन डू मेनी वर्क्स। ओके, नाउ नेक्स्ट फीचर्स, इट कैन नॉट टेक डिसीजन एट वर्क्स ऑन मैन्स ऑर्डर। कंप्यूटर कैनॉट मेक
इट्स ओन डिसीजन, कंप्यूटर अपना खुद का कोई डिसीजन नहीं होता है उसका, क्योंकि इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। जो भी डिसीजन आपका होता है दैट इज कंप्यूटर डिसीजन, आप डिसाइड करते हैं तो कंप्यूटर हाँ वो काम करता है। तो डिसीजन इज योर्स एंड कंप्यूटर कमांड डू दोस कमांड्स। सो आप कमांड करते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो कंप्यूटर करता है, कंप्यूटर अपना कोई डिसीजन नहीं लेता है, आपके ही कमांड पे ये चलता है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। यू कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर यूज, इट नेवर गेट टायर्ड, इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग टाइम, इट डजंट मेक एनी मिस्टेक, इट वर्क्स वेरी फास्ट एंड परफॉर्म वेरियस टास्क एट द सेम टाइम, इट कैन नॉट टेक डिसीजन, इट वर्क्स ऑन मैन्स ऑर्डर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, types of computers. There are different types of computer available in the market. बहुत सारे computer हैं market में, उसमें desktop है, laptop है, tablet है, netbook है, तो ये सारी computer के types हैं, अलग अलग computers हैं। desktop computer ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंप्यूटर है, जो आपके टेबल पे होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ओके, डेस्क मीन्स टेबल एंड टॉप, उसके ऊपर जो चीज़ रखी जाती है दैट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर। ओके, डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ पर्सनल कंप्यूटर, दैट इज अ पर्सनल कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड पीसी, इन शॉर्ट पीसी, पी फॉर पर्सनल, सी फॉर कंप्यूटर, पीसी। ओके, पीसी इज पीसी। ओके, PC, ओके, PC, पर्सनल कंप्यूटर, दैट फिट इट ऑन अ डेस्क, इट इज़ यूज एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। ओके, ये ज़्यादातर जगहों पे ऑफिस में, स्कूल्स में, ज़्यादा जगहों पे ये डेस्कटॉप का यूज़ होता है। सो दिस इज वन काइंड ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट लैपटॉप, नेक्स्ट इज लैपटॉप, लैपटॉप, लैप मीन्स गोद होता है, लैप एंड टॉप गोद के ऊपर। सो ए स्मॉल कंप्यूटर दैट कैन फिट इन टू योर लैप इज अ लैपटॉप, जो कंप्यूटर आपके गोद में फिट हो जाए, लैप में फिट हो जाए, दैट इज कॉल्ड लैपटॉप कंप्यूटर, इट इज अ स्मॉल कंप्यूटर। इट कैन बी यूज अवे फ्रॉम एन आउटलेट यूजिंग ए रिचार्जेबल बैटरी, ये पोर्टेबल होता है, इसको आप कहीं भी लेके आ जा सकते हैं, और ये इसमें रिचार्जेबल बैटरी होती है, चार्जर होता है, इसको आप कहीं भी ट्रेन में, सफ़र में, आप प्लेन में, कहीं भी आप जाते हैं तो इसको आप ले जा सकते हैं, और कहीं भी आप इसको काम कर सकते हैं। इसमें बैटरी बैकअप होता है, जो 2 घंटे 3 घंटे तक ये बैकअप दे सकता है। तो और जैसे ये डिस्चार्ज होता है, इसको आप चार्ज कर सकते हैं चार्जर के थ्रू, और फिर उसके बाद से आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर, इट्स आल्सो कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज टैबलेट। टैबलेट आजकल टैबलेट का ज़माना है, तो हर जगह जो है बच्चे को कोई भी ऑनलाइन क्लासेस लेना हुआ तो ये जो है इससे ले सकते हैं, आप एक छोटा सा टैबलेट ला सकते हैं, ले सकते हैं, रख सकते हैं। दिस इज अ टैबलेट कंप्यूटर, इज अ काइंड ऑफ मोबाइल कंप्यूटर दैट ऑफर्स ए टच स्क्रीन, ये मोबाइल की तरह, जैसे मोबाइल पे आपके होता है उसमें टच स्क्रीन होता है, इसमें भी टच स्क्रीन होता है सारा, तो इसको स्क्रीन को आप टच करके आप स्क्रॉल कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको सर्च करना है वो कर सकते हैं। तो दिस इज टच स्क्रीन, स्क्रीन टच स्क्रीन इज अ स्क्रीन दैट टेक्स कमांड व्हेन द यूजर टचेस द स्क्रीन ऑफ द टेबल। टच स्क्रीन क्या होता है, जैसे भी आपको कोई कमांड देना हो तो आप जाकर उस स्क्रीन को आप टच कर देते हैं, उस आइकन को टच कर देते हैं, तो आपने वो टच करके वो कमांड दिया, दैट इज कमांड जो टच स्क्रीन के थ्रू हम जो है उसको करते हैं। नाउ नेक्स्ट नेटबुक, दिस इज अ नेटबुक, छोटा सा कंप्यूटर है नेटबुक, टाइप ऑफ स्मॉल कंप्यूटर, लाइट वेट एंड इनएक्सपेंसिव लैपटॉप कंप्यूटर, ये छोटा सा कंप्यूटर होता है, सस्ता सा कंप्यूटर होता है। नेटबुक, नेटबुक ऑफर लेस कंप्यूटिंग पावर देन फुल साइज लैपटॉप, ये लैपटॉप से थोड़ा सा बहुत छोटा होता है, छोटा सा, और ये जो इसके जो है ये थोड़ा सस्ता होता है, और इसमें जो है इसके कंप्यूटिंग पावर जो होती है कम होती है,
और भी जो फीचर्स होते हैं इसमें कम होते हैं। तो ये स्मॉल साइज है और दिस कार्ड नेटबुक। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डेस्कटॉप, देन लैपटॉप, देन टैबलेट एंड नेटबुक। नेक्स्ट पेज, कंप्यूटर नेटवर्किंग। लॉट ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सपोज दैट 2, 3, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्यूटर कनेक्टेड टू वन कंप्यूटर। ओके, कनेक्टेड, सो कंप्यूटर्स कनेक्टेड ईच अदर फॉर सेंडिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर्स। दीज आर कंप्यूटर, ये कई से कंप्यूटर, कई सारे कंप्यूटर जो है यहाँ से कनेक्ट रहते हैं। तो आप जो भी फाइल है अगर यहाँ से भेजना हो तो कहीं भी एक दूसरे को भेज सकते हैं, यहाँ भेज सकते हैं। तो फाइल या कोई भी आइटम भेजना हो यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में तो भेज सकते हैं। कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर सेंडिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग, दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग। ओके, इट इज यूज एवरीवेयर इन द बिग ऑफिसेस, बैंक्स एक्सेट्रा, एंड टू कनेक्ट कंप्यूटर विद ईच अदर। ओके, कहीं ऑफिसेस में जाइए या बैंक्स में जाइए तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर नेटवर्किंग, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि आप वहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो यहाँ बैठे बैठे इस कंप्यूटर को भेज सकता है, सारे कंप्यूटर को इकट्ठे मैसेज दे सकता है, या इस कंप्यूटर को मैसेज देना चाहे तो यहाँ दे सकता है, इस कंप्यूटर वाला इनको मैसेज दे सकता है, ये वाला इनको मैसेज दे सकता है। तो ये कंप्यूटर आपस में कनेक्ट रहते हैं, दीज आर कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग, एक नेटवर्क से कनेक्ट रहते हैं तो जिससे ये जो है एक दूसरे को मैसेजेस, फाइल्स एट्सेट्रा भेज सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1, कंप्यूटर। नाउ कम टू द एक्सरसाइजेस। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज, टेक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, ऑप्शंस आर गिवन हियर, यू हैव टू रीड द सेंटेंस, दिस इज द ब्लैंक, यू हैव टू टेक द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दीज 3 एंड यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली। ओके, नाउ स्टार्ट। The world in which we are living is blank oriented. The world in which we are living is blank oriented. Human, options A. Option A, human, B, machine, both A and B. So, right answer is machine. The world in which we are living is machine oriented. Machine. Fill in the blank, machine. This option you have to fill here. Machine. Next, a blank never gets tired. A blank never gets tired. You have to fill right option in the blank. A computer, B animal, C human. So right answer is computer. A computer never gets tired. Computer. Computer is the right answer. You have to fill in the blank. A computer never gets tired. Okay, next. A small computer that can fit into your lap is called a small computer that can fit into in your lap is called a desktop, netbook, a laptop. That is laptop. Right answer is laptop. So take the laptop and fill laptop here in the blank. Okay. Now next. A blank is a screen that takes commands when the user touches the screen of the tablet. A blank is a screen that takes commands when the user touches the screen of the tablet. A netbook, B touch screen, C laptop. Okay, so touch screen is the right answer. Touch screen is a screen that takes command. Right here, touch screen. Okay, touch screen is a screen that takes command when the user touches the screen after tablet. Okay, now next,
Computers are connected to each other for sending files from one computer to another. It is called computer. Okay, computers are connected to each other for sending files from one computer to another. It is called computer networking. So networking, A. Networking, hardworking, wiring. Right answer. Take the right answer. Networking here and right here in the blanks. Networking. Okay. Okay, this is all about first exercise. Second exercise, answer the following question. In your book, this will be next, but here, question answer, we'll do later. Question answer, notes will be given to you of these questions. Now, next exercise, make happy for right and sad face for wrong statement. This is happy face and this is sad face. Happy face for true, yeah, right statement. Sad face for wrong, yeah, false statement. Okay. So here you have to read the statement first, then decide it is right, you're wrong, and then make sad a happy face. Okay. First, a computer can store large amount of data for future use. Okay. This is true statement, right statement. So you have to make right happy face here. Okay. Fine. Next, a computer can take decision. So this statement is wrong. Computer can never take decision. Cannot take decision. Computer cannot take decision. But it is written here, computer can take decision. So this is a wrong statement. So you have to make sad face here. Okay. A computer does not make any mistakes. A computer does not make any mistakes. So this is right answer. Okay, right statement. So you have to make happy face here like this. Okay. A computers are not connected to each other for sending files. This is wrong. This is the wrong. So you have to make sad face here. Okay. Now next exercise. Match the following computers with their pictures. Match the following computer with their pictures. Computers and pictures. Tablet. So you have to match computer, name of computers, and these are the pictures. Okay. Tablet. See which one is tablet. Okay. This is the tablet you have to match here. See. Tablet. This is tablet. This is desktop computer. Okay. And this is netbook. Okay. This is netbook. Okay. Done. Now next exercise. Unscramble the words given below. You have to unscramble. आप ये words हैं हर लिखे हुए हैं ठीक है. You have to unscramble. आपको इसको सीधा करके लिखना है. So this is what, if you were go and read, this is a laptop. Laptop. This is laptop. And this is what? Networking. This is networking. This is networking. Okay. This is netbook. This is netbook. Net. Okay, this is a netbook. And this is machine. This is the machine. Okay. Laptop, networking, netbook and machine. So next page. Next exercise. Join the activities with the computer which it can do for you, one has done for you. Okay.
here lot of things here in the join the activities with computer which it can do for you. यहाँ पे computer जो आपके लिए कर सकता है उस activities को यहाँ से आपको जोड़ना है. यहाँ पे example के लिए storing information को इन्होंने मैच किया हुआ है कि ये स्टोरिंग इंफॉर्मेशन कंप्यूटर कर सकता है. और आपको करना है कैलकुलेशन. यस कंप्यूटर कैन कैलकुलेट. आपको एरो बना देना है, इससे एरो आपसे ज्वाइन करवा देना है. ड्राइंग कंप्यूटर कैन डू ड्राइंग. कंप्यूटर ड्राइंग कर सकता है, यहाँ पे एरो आप कर सकते हैं. रनिंग कंप्यूटर आपके लिए रनिंग नहीं कर सकता, कंप्यूटर आपके लिए खा नहीं सकता. एंड द सेम वे कंप्यूटर कैन नॉट स्विम फॉर यू. कंप्यूटर तैर नहीं सकता, कंप्यूटर खाना भी नहीं बना सकता. ओके तो दीज थिंग्स कैन डू फॉर यू. कंप्यूटर कैन डू फॉर यू कैलकुलेशन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉइंग. दिस इज नाउ नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू. ड्रॉ द शेप्स इवन बिलो ऑन द ड्राइंग पेपर. कलर कट एंड पेस्ट देम इन द पिक्चर टू कंप्लीट. सो यू व्हाट यू हैव टू डू. ड्रॉ द शेप्स इवन बिलो ऑन द ड्राइंग पेपर. इस ये शेप जो है ड्राइंग पेपर पे आप बना लें, कलर कर लें, फिर इसको काट लें और काट करके इसको पेस्ट लें. कलर कट और पेस्ट देन इन द पिक्चर. ओके ऐसे ही शेप आपको अलग अलग शेप जैसे ये बना हुआ है, यू हैव टू ड्रॉ देन पे कलर एंड देन कट. कट एंड देन पेस्ट लेयर. देन कट एंड पेस्ट लेयर. देन कट एंड पेस्ट लेयर. 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 कट and paste here. Okay, cut and paste here. Cut and cut and paste here. Cut and paste here. Cut and paste here. Okay, so cut and paste here. Cut and paste here. This is all about you have to do yourself this this thing. Okay, this is all about chapter number 1. Complete all the exercises and memorize it. Your notes of question answer will be given. Thank you very much.